Hello dear, welcome to KSL campus. In this lecture we will be going to study flow energy equation. As we know that study means time independent, that means that flow with time independency. तो चलिए पढ़ते हैं इसको. The steady flow means the property does not vary with respect to time. मतलब independent of time होता है, जो properties होता है with respect to time vary नहीं होता है, constant रहता है with time. The mass flow rate at the entry of control volume and exit of control volume are same. Entry और exit of control volume पे जो mass flow rate होता है वो same होता है, मतलब time के साथ change नहीं होता. जैसा कि आपको पता है जो time के साथ constant रहता है उसको बोलते हैं steady, और जो place के साथ constant रहता है उसको बोलते हैं uniform. तो ये स्टडी फ्लो है तो टाइम के साथ कांस्टेंट रहेगा. अब कुछ पैरामीटर्स या फिर सिंबल जिसको हम यूज करेंगे उसका मीनिंग देख लेते हैं. टू राइट द स्टडी फ्लो इक्वेशन ये सारी सिंबल्स यूज होगी. लेट अस एज्यूम करते हैं एम इज मास फ्लो रेट. एम डॉट को हम मास फ्लो रेट मान रहे हैं, मतलब मास फ्लो पर यूनिट टाइम. U is a specific internal energy, मतलब पर यूनिट मास इंटरनल एनर्जी पर यूनिट मास है. P इंटू स्पेसिफिक वॉल्यूम को क्या बोलते हैं, फ्लो वॉक बोलते हैं. और स्मॉल h को स्पेसिफिक इंथैल्पी, इंथैल्पी पर यूनिट मास है. ये काइनेटिक स्पेसिफिक काइनेटिक एनर्जी, P जो है स्पेसिफिक पोटेंशियल एनर्जी, और वेलोसिटी को V नहीं C से यहाँ पे हम डिनोट कर रहे हैं. अपना अपना नोटेशन है, कोई V से करता है कोई C से करता है. Q डॉट को रेट ऑफ यहाँ पे हीट इनपुट होगा, रेट ऑफ हीट इनपुट है Q डॉट, और W डॉट है रेट ऑफ वॉक ट्रांसफ़र, और Z जो है हम डेटम हाइट के लिए यूज़ कर रहे हैं, मतलब डेटम से हाइट कितना हाइट पे हम वॉक कर रहे हैं उसके लिए यूज़ कर रहे हैं. और एक चीज़ और देख लेते हैं, सबस्क्रिप्ट वन जो होगा इनलेट के लिए सारा चीज़ होगा. जैसे हम लिखेंगे के वन मतलब काइनेटिक एनर्जी, स्पेसिफिक काइनेटिक एनर्जी वन, और पुट पी वन मतलब स्पेसिफिक पोटेंशियल एनर्जी वन, एच वन मतलब स्पेसिफिक एंथैल्पी एट इनलेट, एच टू मतलब स्पेसिफिक एंथैल्पी एट आउटलेट. ये इसका मतलब होगा अब द सिस्टम. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे हमारे पास कोई एक कंट्रोल वॉल्यूम, जैसे हमने कंसीडर किया ये कंट्रोल वॉल्यूम है हमारे पास, ठीक है. ओके इस टाइप से, और जो इनलेट और ये एग्जिट पे, इनलेट पे वन से डिनोट किया, एग्जिट पे टू से डिनोट किया पैरामीटर्स को. तो यहाँ पे कोई मास आ रहा है एम वन और एम टू जा रहा है. तो अभी बताया था स्टडी फ्लो इक्वेशन के लिए एम और एम टू इक्वल होगा, बट एक केस और पढ़ेंगे अनस्टडी फ्लो जिसमें एम वन एम टू इक्वल नहीं हुआ. ये एम नहीं एम डॉट है मास पर यूनिट टाइम, और ये है डेटम हाइट जेड वन. ये डेटम जो रेफरेंस ले रहे हैं डेटम से इसकी हाइट है, इस इनलेट की और आउटलेट की ये हाइट है जेड टू, ठीक है. और इस कंट्रोल वॉल्यूम में कोई मास इंटर कर रहा है और फिर वही मास यहाँ से एग्जिट कर रहा है. तो स्टडी करेंगे कि इसकी स्टडी फ्लो इक्वेशन क्या होगी. अप्लाइंग एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन आपको पता है कि एनर्जी कंजर्वेशन इक्वेशन क्या होगी, एनर्जी बिफोर इनलेट एनर्जी आफ्टर इनलेट, यही हम इक्वेशन लगाएंगे. और हम जानते हैं फ्रॉम द एनर्जी कंजर्वेशन एनर्जी नेवर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली इट चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. तो इनलेट पे हमारे पास कौन कौन सा एनर्जी अवेलेबल है, तो इंटरनल एनर्जी, फ्लो वर्क एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और हीट इनपुट. इसको क्यू डॉट लिखेंगे. और आउटलेट पे इंटरनल एनर्जी एट आउटलेट, फ्लो वर्क एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड वर्क ट्रांसफ़र. ओके तो आपको पता है यू प्लस पी वी क्या होता है, एंथैल्पी होता है. तो स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी है और फ्लो वॉक है, मतलब स्पेसिफिक वॉल्यूम से मल्टीप्लाइड है. तो इसका समेशन क्या आएगा, स्पेसिफिक इंथैल्पी आएगा, इंथैल्पी सिर्फ नहीं आएगा. तो स्पेसिफिक इंथैल्पी इधर हो जाएगा, फिर इधर स्पेसिफिक इंथैल्पी एट आउटलेट हो जाएगा, ठीक है.
तो इस तरीके से इक्वेशन हमारा आ जाएगा ये। अब इसको और आगे लिखेंगे तो आपको पता है कि इंथैल्पी क्या होता है, एम सी पी डी टी भी लिख सकते हैं उसको। और ये पर यूनिट मास है तो सी पी टी हो जाएगा, सी पी टी वन। और काइनेटिक एनर्जी वन पे तो आपको पता है हाफ एम बी स्क्वायर होता है काइनेटिक एनर्जी, तो पर यूनिट मास है। तो यहाँ पे आप वेलोसिटी को हमने सी से डिनोट कर रखा है तो हाफ सी स्क्वायर हो जाएगा। और हमने एक 1000 से यहाँ पे डिवाइड इसलिए कर रखा है क्योंकि ये जो इंथैल्पी है किलो जूल में होगा, हीट भी होगा किलो जूल में, यहाँ भी वाला आउटलेट पे भी इंथैल्पी किलो जूल में और हीट भी होगा किलो जूल में। और ये जो है काइनेटिक एनर्जी ये जूल में होता, तो इसको 1000 से डिवाइड कर दिया तो किलो जूल में ये भी हो जाएगा। न्यूमेरिकल सॉल्व करने में वहाँ पर आसानी होगी। और पोटेंशियल एनर्जी भी यहाँ पर किलो जूल में हो जाएगा 1000 से डिवाइड करने पर, तो एम जी जेड वन होगा, बट पर यूनिट मास पोटेंशियल एनर्जी जी जेड वन। उसी तरह से आउटलेट पे सी पी टी टू हाफ सी टू स्क्वायर बाई 1000 और जी जेड टू बाई 1000 और डब्ल्यू फोर फॉक ट्रांसफर। ये हमारा जो है स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन हो गया। ओके, अब इसको कंप्लीट करने के लिए हम क्या करेंगे, मास से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब सेम उसी इक्वेशन को यहाँ पे कॉपी करके और एम डॉट से इधर और एम डॉट से इधर यहाँ यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया हमने। और हीट ट्रांसफ़र वर्क ट्रांसफ़र में ऑलरेडी मल्टीप्लाइड था तो इसमें नहीं किया, बस तीन टर्म में मल्टीप्लाइड किया, एंथैल्पी वाले में, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी वाले में, यहाँ भी सेम ही किया। तो हमारा कंप्लीट एक तरीके से स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन आ गया। अब इसको क्या करेंगे, अलग अलग डिवाइसेस के लिए किस तरीके से कौन कौन सा पैरामीटर कैंसिल आउट होगा, क्या क्या बचेगा, तो फॉर्मूला देखेंगे, जैसे टर्बाइन नोजल अलग अलग, तो देखेंगे आगे के लेक्चर में।